गार्डन, एप्पल गार्डन देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव। और ये रोड का नज़ारा देखो सामने हिल स्टेशन। और यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो होटल्स है बहुत सारी होटल्स है, आसपास में कोई बड़ा शहर नहीं है लेकिन रोड के बगल में बहुत सारी होटल, और सारी होटल VVIP होटल्स हैं। इतनी होटल्स आप देख देख के पागल हो जाओगे। ये देखो जो होटल बन रही है, पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ अजीब दिख रहे हैं ना। जैसे जैसे आगे जाते ऐसा लगता है सामने आते पेड़ और बड़े होते जा रहे हैं सर। मैं चला शहर से दूर नदी के और पहाड़। अभी हम पहुंचे हैं मुक्तेश्वर मंदिर और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे और जाम भी बहुत है, बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे भाई। बहुत ही ऊपर वाला पॉइंट है ये चीड़ के पेड़, बड़े बड़े पेड़ देखने का बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब व्यू एकदम अलग सा आता है भाई। पहुंच चुके हैं हम अभी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के एंट्रेंस में और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। गाड़ियाँ आगे बहुत ही देखने को मिली, इस हिसाब से लग रहा है कि भीड़ बहुत होगी। नो ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और ये आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये नीचे का नज़ारा देखो भाई, हर जगह नज़ारा तो खूबसूरत ही लगेगा भाई। मैं तो ये सब नज़ारे देख देख के पागल हो चुका हूँ भाई। दिखाता हूँ आपको मंदिर, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं भाई, रोज़ इतनी भीड़ रहती है। ये सब ने चुनरी बांधी है पेड़ों पे, ये देखो लाइन में सब लोग शांति बनाए हुए थे, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता भाई। सब लोग शांति से लाइन में खड़े थे तो मैं व्लॉगिंग करूंगा तो सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो लिया। बहुत ही अच्छा लगता है भाई यहाँ पे। यह है हिल स्टेशन के ऊपर पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट, देखो ज़रा यहाँ पे। अब हम लोग हो जाएंगे रिटर्न। सर मंदिर है जहाँ अभी हम जाके आए, पूरा आसमान दिख रहा है यहाँ से। और वो सामने जो दिख रहे हैं थोड़े थोड़े बादल, वो हिमालय है, हल्का सा दिख रहा है यहाँ से। हिमालय के बैक साइड चाइना बॉर्डर है, ये आ गई होटल। मतलब यहाँ पे बहुत सारी होटल है, मतलब सारी की सारी VIP होटल है यहाँ पे। मतलब यहाँ आसपास कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे एकदम VIP होटल देखने को मिलेगी आपको। मतलब यहाँ पे लोग एक पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पर आते हैं, शांति लेने के लिए, दिमाग की शांति, रहते आराम से। और मैंने एक चीज़ देखी कि मुक्तेश्वर में जो लोग आते हैं, मतलब आए थे, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई आ सकता है, लेकिन VIP और VVIP लोग ही दिखे मुझे मुक्तेश्वर मंदिर में। ये चीज़ मतलब महंगी गाड़ियों में बहुत सारे लोग जो आते हैं वो ऐसे लोग थे, VIP और VVIP लोग। मंदिर है, मतलब हर कोई आ सकता है, लेकिन मैंने देखा जब तक मुझे कोई भी इंसान ऐसे नहीं लगा, मतलब नॉर्मल सा हर इंसान, मतलब एकदम VIP थे, ये ज़रूर मैंने नोट किया। ये रामगढ़ करके एक ये छोटा सा गांव है और कहते हैं कि यहाँ पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। और अब भाई शाम हो चुकी है, अब हम लोग रूम ढूंढेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ।
और नज़ारे दिखाएंगे आपको। वीडियो देखते रहना भाई। गुड नाइट।